की घड़ी में भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर, हमारे और हमारी सरकार। Bye.
बच्चा हम पेड़ पौधे आगे वाली छत और ये देखिए मैंने ये थाल निकाला था फांसी को बजाने के लिए और मैंने तो हमने इसको बजाया लेकिन क्योंकि ये थाल बहुत भारी है तो उसको हम अंदर ही टेबल पे रख कर ही बजा रहे थे। मैं आपको बजा कर दिखाती हूँ। तो इस थाल की सुंदरता हमारी एकता की पहचान है। ये थाल हमारी एकता के नाम है। ये थाल मुझे जिंदगी भर और कोरोना वायरस से जीत तभी संभव है जब हम ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस का ये खत्म हो जाए कि सुबह 7 बजे तक हमें बोला है या रात के 9 बजे तक बोला है एकांतवास करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग कहीं पार्टी मनाने या पिकनिक मनाने के लिए घरों से बाहर चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी विदेशों से रिपोर्ट आ रही है मैंने आज भी रिपोर्ट डाली है। अपने फेसबुक पर मैंने डाला है, बहुत सारे बच्चों के वक्तव्य हैं उसमें, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बेल्जियम से, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, सभी जगह से बच्चों ने अपने अपने यहाँ के डाला है कि रिपोर्ट डाली है, आप ज़रूर देखिएगा उसको। सिर्फ 3-4 मिनट की यूट्यूब पर वो वीडियो डाली गई है जो कि मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट करी है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर हम इससे कम से कम 2 हफ्ते तक घरों के अंदर रहना होगा और घरों से ही काम करना होगा। ये लोग भी तो कर रहे हैं ना, जब इतनी ज़्यादा स्थिति भयावह हो गई है तब ये काम कर रहे हैं। हफ्ते में एक दिन ये लोग जाते हैं, फटाफट अपना सामान खरीद कर लाते हैं, ग्रॉसरी वगैरह, और एक हफ्ते तक घरों के अंदर रहते हैं। इससे ही स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सकता है। और अभी अभी बजे हाँ, और अभी क्योंकि मदर डेयरी खुल गई है थोड़ी देर के लिए, अगर बिल्कुल आपके घर के बाहर मदर डेयरी हो, क्योंकि मेरे बिल्कुल घर के बाहर ही मदर डेयरी है। ये देखिए यहाँ से ही दिख रही है, ये देखिए ये ही मदर डेयरी है। अगर आपके बिल्कुल घर के आगे ही मदर डेयरी है और दूध नहीं है, 1 किलो रहने दो, हाँ रहने देते हैं, मैं भी नहीं ला रही हूँ क्योंकि अभी के लिए है और सुबह ही ले आएंगे। हो सके जितना हो सके आप घरों के अंदर ही रहिए, बस यही आपसे मेरी आरजू है, जस्तजू है। सचिन कुमार जी, सचिन कुमार सिंह जी, डी डॉक्टर एक्स पवन पांडे जी, दैविक धीरज जी, अश्विन खन्ना जी, राधेश अग्रवाल। राधेश जी कैसे हैं आप? राधेश जी पहुँच तो नहीं आए हैं, वो ये लंदन में ही फ्लाइट्स का कुछ, जैसे ही फ्लाइट वहाँ से लंदन से आती है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जितने बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएं। टेस्टिंग उन लोगों की हो रही है, नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर वो हैं सेफ हैं, लेकिन फिर भी परिवार तो वो वापस आए तो लोग सेफ रहिएगा कलकत्ता में।
जल्दी हो सके, जैसे ही कोरोना का